नमस्कार। नमस्ते। बैठिए बैठिए। तो शुरू करें? हाँ तो भैया, पहले बकुल के कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर लें। हाँ, क्यों नहीं। बकुल के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो इस साल के अंत तक खत्म हो रहा है। अब प्रश्न ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हमें कंटिन्यू करना है या नहीं। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया? एक्चुअली बकुल का सारा काम प्रकाश देखते थे, अब प्रकाश बकुल के साथ नहीं काम कर रहे हैं। ही इज नो मोर विद मिस्टर बकुल। मिस्टर बकुल, आप क्या कहते हैं, प्रकाश के बगैर आप अपना कमिटमेंट वक्त पर पूरा कर सकेंगे? सर, आप तो मेरे पिता समान हैं। ये बात सच है, प्रकाश की वजह से मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब प्रकाश मेरे साथ नहीं है, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। आप अगर बुरा ना माने तो क्या हम पूछ सकते हैं कि प्रकाश अब आपके साथ क्यों नहीं है? आप ना ही पूछे तो अच्छा है। मैं जानता हूं प्रकाश आपका रिश्तेदार है, उसने मेरे साथ जो किया वो किया, लेकिन मैं नहीं चाहता आप लोगों के रिलेशंस खराब हो। देखो बकुल, बिजनेस अपनी जगह है और रिश्तेदारी अपनी जगह है। राम जो पूछ रहा है जवाब दो उसका, क्या प्रकाश ने काम में कुछ कोताही की है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। ऑफिस में जो उसने मेरे लिए किया उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, ही वॉज वेरी फाइन। लेकिन घर में उसने जो मेरे साथ किया वो कभी माफ नहीं किया जा सकता। सर, मैं आपके और अपने काम में बहुत बिजी था, मेरी एब्सेंस में उसने मेरे घर आना जाना शुरू किया। मैं कैसे बताऊं सर, और सर उसने मेरी मेरी बीवी के साथ नाजायज संबंध बना लिए। ये तुम क्या कह रहे हो बकुल? सही कह रहा हूं सर। सर इतनी घटिया बात, वो भी अपनी बीवी के लिए। लेकिन सर मैं झूठ नहीं कह रहा। सर मेरी बीवी ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है मेरी बीवी, लेकिन प्रकाश ने उसे बहका दिया है। मैं क्या करूं सर, मैं बेवकूफ की तरह दोनों को प्यार करता रहा। बकुल, आपको पूरा यकीन है, कोई गलत फहमी तो नहीं है ना? आप यकीन की बात कर रहे हैं सर? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कैसे बताऊं आप लोगों को, प्रिया के पेट में जो बच्चा है ना वो भी प्रकाश का ही है। जिसकी दुनिया ही लुट गई है वो आप लोगों से कॉन्ट्रैक्ट की क्या बात करेगा। ये तो सुरेंद्र बाबू ने मुझे यहां बुलाया इसलिए आया। आप जो सही समझे आप करें, मैं चलता हूं सर। I'm sorry for creating a scene. Please excuse me.